हेलो गाइस, आज देखिए आपको एकदम पौष्टिक लड्डू बनाना बता रही हूँ और ये आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। बादाम को आपको भिगो लेना है, भिगो के इस तरह से काट लेना छोटे टुकड़ों में। काट के जो है फिर आप इसको ऐसे घी है ये फ्राई करा, अभी मैंने मलाई से बनाया है। इसमें आपको क्या करना है, बादाम को आप डाल लें इसमें और फ्राई कर लीजिए गर्म हो जाए। ज़्यादा आपको लाल नहीं करने बादाम को, आपको थोड़ा ही इसमें बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक बनेंगे। बादाम भिगो के वैसे भी फायदे बहुत करते हैं, तो इसलिए आप इसको इस तरह से बना लीजिए और निकाल के इसमें आप बेसन डाल दीजिए, आधा किलो बेसन। आप आधा किलो बेसन के आप जितना भी बनाना चाहते हैं उसी प्रकार से आप बनाइए। देखिए मैंने तो आधा किलो बेसन करीब डाला इसमें और इसको क्या करना है, घी में अच्छे से धीमी आंच पे फ्राई करना है। इसको धीमी आंच में फ्राई करेंगे ना तो आप बेसन को जलाना नहीं है। देखिए घी आपका कम हो तो आप घी इसमें और डाल दीजिए, मैंने इसमें घी और डाल दिया है। और इस तरह से इसको धीरे धीरे आँच में, धीमी आँच में इसको भून लेते हैं बेसन को। अब बेसन ये देखिए हमारा लाल हो चुका है भूंज के। आपको कलर डालना तो आप कलर डाल लीजिए, मैंने कलर नहीं डाला इसमें। और ये बेसन होने के बाद हमने इसमें शक्कर डालनी है। शक्कर आप पिसी हुई मंगा लीजिए, आधा किलो जैसे बेसन है तो आधा किलो ही शक्कर आप इसमें डाल सकती हैं, या तो आप मीठे के हिसाब से जैसा आपको पसंद हो इससे उसने डालिए। और ये काजू भी डाल दीजिए इसमें और दोनों को इस अच्छे से मिक्स कर देना है दोनों को शक्कर डाल के। और ये लड्डू इस तरह से आप बनाइए। और इसमें क्या करना है, आपको इलायची भी डालना है। तो आप, मैं इसमें देखिए तीन चार मैंने पांच इलायची ले ली है, इनको पीस लेती हूँ मिक्सी में। इसका पीस के देखिए पाउडर बना लिया, छिलका मैंने निकाल दिया इसमें से और ये इसमें इसको मिला दिया। और बस अच्छे से इसको मिला के घी आप अपने अनुसार बना लीजिए जितना आप लड्डू बना सकें। और देखिए मैं इसमें घी डाल दिया मैंने इसमें, और घी डाल के बस इसको लड्डू को बनाना है और अच्छे से इसको हिलाना है। हिलाते हुए आपको ऐसे बनाएंगे ना तो आपका लड्डू जो है फूटेगा नहीं, एकदम परफेक्ट लड्डू बनेगा इस तरह से। और एक दो बार आप ऐसे बना के हिला लेंगे ना हाथ में ऐसे करके, तो ये लड्डू जो है आपका बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, टूटेगा नहीं। ये जो ऐसे भसक भसक के गिर जाते हैं, बहुत से लड्डू आपने देखे होंगे। ये खाने में इतना ही पौष्टिक है कि आँखों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है बहुत ज़्यादा। और इस तरह से आप लड्डू सारे बना के लीजिए और सुबेरे आप सुबह सुबह इसको एक लड्डू आप खा लीजिए बासी मुँह। और आपका मन हो तो आप दूध पी लीजिए इस पर एक गिलास। और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें हमारे पेज को, सब्सक्राइब करें चैनल को। और रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। कैसे लग रहे हैं लड्डू, ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। हेलो गाइस, देखिए आज हम आपको बेसन के लड्डू इतने पौष्टिक बताने वाले हैं कि आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काजुओं को पहले से तो भिगो देना है आपको।